की सप्लाई हमारे पास आती है, हमारे स्पेक्स के मुताबिक 4 से 6 महीने का बर्ड होता है, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा, बहुत टेंडर होता है, ऑर्गेनिक मीट होता है और हैंड रेस्ड ये बर्ड होता है, लोगों ने अपने घरों में रखे होते हैं, वहाँ पालते हैं और फिर वो आगे उनको बेचते हैं, वो सम हाउ इंटीरियर सिन से एवरी सिंगल डे हमारे पास आता है। और हम तुम गाइस क्या हाल चाल है यार, आज पेंट रेस्टोरेंट को हम रिव्यू करने आए हैं, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई ये सीन है कि इनकी जो मतलब कि आपने रूफटॉप तो देख ही लिया होगा कि बहुत कमाल का व्यू है इनका, और सर्दियों की जो है ना आई थिंक कि बेस्ट प्लेस है, और बाकी वीडियो तो आप देख ही रहे हो तो इंशाल्लाह इंजॉय करोगे। और फूड जो है इनका बहुत ज़्यादा मज़े का यार, कढ़ाई में ये स्पेशल है, देसी क्यूज़ीन्स है में इनका जो फूड है वो बहुत आला किस्म का है, तो यार इस चीज़ को आपने ज़रूर मतलब नोटिस करना है, आई मीन के जो एम्बियंस है इनका और जो इनकी जो ओवरऑल जो इनकी मतलब के रूफ टॉप है, मतलब स्पेशली आजकल आपको पता है कोविड चल रहा है तो मतलब उसकी वजह से मतलब इंडोर तो क्लोज है, तो बहरहाल रूफ टॉप बहुत मज़ेदार है इनका, इंजॉय द वीडियो। खाना यहाँ का बहुत टेस्टी था और इन्वायरमेंट भी यहाँ का बहुत अच्छा है। मेरी फेवरेट डिश कबाब है तो इसलिए मैंने कबाब ऑर्डर किए थे, लेकिन बहुत बहुत टेस्टी थे। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का खाना, टेस्ट और सर्विस सब अच्छा है। अच्छा माहिर, अब हमें अच्छा था, स्पेशली इनकी कढ़ाई जो है मुझे वो बहुत पसंद है। इनकी कढ़ाई खाने के लिए हम ज़्यादातर यहाँ आते हैं। पहली बात है, हर बंदे के एक अपने स्पाइसेस होते हैं, इनका जो अपना स्पाइसेस हैं वो डिफरेंट हैं बाकी से, जिससे मतलब ना वो ओवर स्पाइसी होती है ना ही वो लाइट होती है, लेकिन बहुत मज़े की होती है। पेन रेस्टोरेंट बेसिकली इसकी हिस्ट्री शुरू होती है आज से तकरीबन 8 साल पहले, ऐसे ग्रुप का ये फ्रेंच एक ब्रेन चाइल्ड था, ऐसे ग्रुप का ही एक वेंचर था और ऐसे ग्रुप का ही एक ये विंग्स के अंडर पला बड़ा कला शिकाकू से, ऑब्वियसली जो हमारी बेस है वहाँ से शुरू किया। पहला फ्लैगशिप रेस्टोरेंट हमने तकरीबन आज से 8 साल पहले शुरू किया, और जब ये शुरू किया तो उस वक्त भी हमारा ऑब्जेक्टिव यही था और टारगेट भी यही था कि इसको हम सेटल करेंगे, सेटल करने के बाद इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है हम लाहौर में हैं और हमारा ये तीसरी ब्रांच है जिसकी हम ओपनिंग किया। इससे पहले हमने बागबानपुरा में किया, अभी ये बालटाउन में है, फ्लैगशिप हमारा कला शिकाकू में है और इसी साल के एंड पे इंशाल्लाह ताला हम गुजरांवाला में एक ओपन कर रहे हैं। आई वुड विश के मेरे पास ग्राउंड होती है, लेकिन ग्राउंड आपको पता है आप तो खेलने के लिए अवेलेबल नहीं है, कमर्शियल जगह होगी हुई हैं, तो कमर्शियल जब आपकी बिल्डिंग्स होती हैं तो उसकी जो रूफ टॉप्स होती हैं उसको फिर लोग कैश करवाते हैं, और यूजली वहाँ पर ज़्यादातर क्योंकि एम्बियंस अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है और रेस्टोरेंट्स और फूड जॉइंट्स ही ज़्यादातर आते हैं। हमने भी इसको एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया, तो हमारा आपको पता है पिंड रेस्टोरेंट है, पिंड में तो आपको ओपननेस और फ्रेश हवा, फ्रेश ऑक्सीजन और पौधे ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये देर फोर हमें ज़्यादा सूट करती है। मेन्यू की हमारे पास अच्छी अलहमदिल्ला काफ़ी वाइड रेंज है, जिसमें ओबियसली ब्रायलर भी है, मटन भी है, बारबेक्यू भी है, हांडीज हैं, कढ़ाईज हैं, चाइनीज़ है और एपेटाइजर्स वगैरह भी हैं, लेकिन हमारी जो कोर प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है हमारी, वो हमारे देसी मुर्गा है। देसी मुर्गा हम सोर्स करते हैं, किसी ज़माने में हम सोर्स किया करते थे इसको मियांवाली खुशाब वगैरह से, आजकल ये इंटीरियर सिंध से आता है, ये डेली सप्लाई हमारे पास आती है,
ہمارے اسپیکس کے مطابق 4 سے 6 مہینے کا برڈ ہوتا ہے, نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑا, بہت ٹینڈر ہوتا ہے, آرگینک میٹ ہوتا ہے اور ہینڈ ریسڈ یہ برڈ ہوتا ہے. لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں, وہاں پالتے ہیں اور پھر وہ آگے ان کو بھیجتے ہیں. وہ سم ہاؤ انٹیریئر سن سے ایوری سنگل ڈے ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں کڑھائی میں اور ان کو سرو کرتے ہیں ہماری اسپیشل ڈش سے. فیوچر ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان شاء اللہ اس کو پنڈ کو ڈیفینیٹلی ایز اے سیٹ کہ ہمارا جب شروع کیا اسی وقت سے ہی آبجیکٹو تھا کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. جیسے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگ ابھی ایک شہر میں کیا, لاہور میں ہماری تیسری برانچ ہوگی ہے, گوجرانوالہ میں کریں گے, اس کے بعد ہمارا یہ کہ ہم شہر پکڑیں گے, شہر کے بعد صوبہ ہم کور کریں گے. صوبہ میں اوبویسلی پہلے پنجاب آئے گا کیونکہ ہم نے شروع یہاں سے کیا ہے, اس کے بعد ہم پورے پاکستان میں جائیں گے. جب پاکستان میں سے ایک بات ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ اسی برانڈ کو ہم ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جائیں اور پاکستانی برانڈ کو وہاں پہ جا کے کمپیٹ کر. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ پنڈ ریسٹورانٹ, اور اس ریسٹورانٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا. آئی ہائرلی ریکمینڈ دس. اوکے, سو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دے اجازت, اللہ حافظ.